जगह पे नहीं सोचा था, लेकिन बट हमारे जो ब्लैक मैन को कुछ ऐसे वाला जगह से उठाने वाला। तो 3017 का अभी हम लोग इसमें टायर लगा चुके हैं और जो कि काफी एडवेंचर। अंकल जी कहाँ देख रहे हो भाई, भाई कैसे गट चुका है देख रहे हो, ये पूरा जो रफ ड्राइव या हम लोग एडवेंचर भी करेंगे और आप लोगों को मैं रिव्यू देने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसबी राइडर पे। गाइस तो कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और भाई भी अभी बढ़िया ही है। गाइस सो जैसे कि गाइस मैंने ना अपना ब्लैक मैन के ऊपर पे, तो अपना जो ब्लैक मैन के ऊपर पे मैंने जो है टायर एक्सचेंज कर दिया हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा जैसे मैं कुछ दिनों से पहले जो है अपना ब्लॉग वगैरह शूट कर रहा था, और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ गाइस अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप है डायरेक्ट। एंड लेट्स सी अभी अपना बाइक को बंद करते हैं। और जैसे कि दोस्तों आप लोग पीछे अगर देखोगे तो ना अपना हमारे जो है ब्लैक मैन 1307017 का अभी हम लोग इसमें टायर लगा चुके हैं, और जो कि काफ़ी एडवेंचर टायर है। और जैसे इसका आप लोग ग्रिप वगैरह देख सकते हो काफ़ी प्यारी है गाइस, ये चेक करें गाइस कैसे है। और इसका हम लोग रफ ड्राइव या हम लोग एडवेंचर भी करेंगे और आप लोगों को मैं रिव्यू देने वाला हूँ भाई इसका जो है एडवेंचर जो है टायर है कैसे आ रहा है। और मैं काफ़ी मतलब कुछ दिनों से मैं अपना ब्लॉग वगैरह शूट कर रहा था, देन मैं मोटो ब्लॉग नहीं शूट कर रहा था एंड क्योंकि भाई अपना जो है गोप्रो का कुछ जो क्लिप होता है वो टूट चुका है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब लूज है और अभी भी है ना बहुत ज़्यादा लूज है, तो जिसके लिए भाई ये कभी भी मतलब गिर वगैरह सकता है, ठीक है। एंड जिसके लिए मैं मोटो ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था, बट मैंने देखा कि भाई बहुत सारा बंदे लोग भाई वीडियो वगैरह बना रहे हैं एंड मुझे भी मतलब बनाना चाहिए, नहीं तो भाई हम लोग कहीं भाई पीछे छूट ना जाए ऐसे कुछ सीन ना होने वाला था। तो जिसके वजह से मैं दोबारा अपना मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पर आ चुका हूँ और ये अभी भी ना लूजिंग है गाइस। मैंने मेन टॉपिक्स पे भाई ध्यान देते हैं एंड लेट्स सी हमारे जो टायर पे 1307017 mm का हम लोग टायर जो इंस्टॉलेशन करवा चुके हैं और जो कि भाई फुली एडवेंचर टायर है। और भाई जो अभी मतलब चलाने में जो स्मूथनेस और जो लीनिंग का जो मज़ा आ रहा है ना भाई, मुझे मतलब दो दिन से मैं चला चुका हूँ भाई, पूरा कॉन्फिडेंस मतलब एक लेवल आता है कि भाई आप चला रहे हो तो यार जो आप लोग लीनिंग मारते हो ना तो ये मतलब पूरा कॉन्फिडेंस लगता है कि भाई हाँ मतलब जो बाइक का जो लेवल है ना भाई बहुत दब के चल रहा है। इस कॉर्नरिंग मार सकते हो, बट जो मुझे मतलब अपना जो टायर लगा के ना भाई बहुत ज़्यादा ग्रिप अच्छा मिल रहा है, मतलब लग रहा है कि भाई हाँ बाइक ना थोड़ा दबा के चल रहा है एंड भाई मुझे मतलब चला के ना भाई एक मतलब अलग है कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई हाँ कुछ अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है। और पहले से भाई मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने इस बाइक को 2 साल चला चुका था और इसमें ना मतलब कहीं टायर का भी इशू वगैरह था या पंचर भी हो सके, जिसकी वजह से गाड़ी जो है थोड़ा माइलेज के लिए पावर के लिए थोड़ा मुझे कम लग रहा था। बट गए अभी वो सिचुएशन चला गया है जब भी मैंने टायर मतलब चेंज किया ही और उसके बाद जैसे ही मैंने चलाया तो हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ अलग से एक पावर आ चुका है, भाई दबा के चल रहा है इस टाइप में एक पावर आ चुका है। बट ये इशू था, मुझे लग रहा था कि भाई टायर वगैरह ही था जो ये कम्प्लीटली हो चुका है। देन उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आज के राइड में ना अभी हम लोग कुछ ऐसे एडवेंचर जगह पे जाएंगे जहाँ मतलब हम लोग इस टायर को लेके एडवेंचर वगैरह करेंगे, जहाँ हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई एडवेंचर जो रोड पे है या मिट्टी के जगह पे है कैसे ये परफॉर्मेंस कर रहा है। बट चलो आज मैं जा रहा हूँ कुछ बात डोगरा, क्योंकि मेरा जो पॉल्यूशन जो था वो मतलब आज का लास्ट ही डेट है और हमारे इस इलाके पे बात डोगरा या सिलीगुड़ी पे हर जगह पे मामा लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ना मुझे अभी अप टू डेट अपना डॉक्यूमेंट्स को करवा लेना पड़ेगा, नहीं तो भाई कल परसों भाई एक छोटे से चीज़ के लिए बड़े चलान ना हो जाए। एंड लेट्स सी गाइस अभी हम लोग जाएंगे पॉल्यूशन करवा लेंगे। एंड मैंने मतलब 2-3 ऐसे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है पुलिस को ऊपर लेके एंड मैं अभी तक उसको मतलब अपलोड नहीं किया हूँ और जल्द से जल्द मैं उसको अपलोड कर लूँगा, क्योंकि मैं साथ ही साथ 2-3 दिनों से मैं अपना ब्लोरो वगैरह पे भी काम वगैरह कर रहा था एंड आज जाना आना डिलीवरी का भी काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग हो चुका था, उसके बाद बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह था और मैं कैमरा बस लगा के जा रहा था एंड विदाउट, क्योंकि भाई एक सेफ्टी पर्पस होता है कि भाई अगर आप लोग को किसी चीज़ अगर किसी बंदे ने रोकते हैं तो किस रीज़न के लिए रोकते हैं, ऐसे मेरे पास छोटे छोटे क्लिप पड़ा हुआ है उसको मैं मतलब इस वीडियो के बाद में मैं उसको रिवील कर दूंगा। एंड उसमें क्या हुआ था कि भाई मेरा पुलिस मामा लोग से ना काफ़ी मतलब दो तीन बार मैंने मतलब MT50 को लेके गया था मेरा दोस्त को, उसके बाद मेरा NSE था तो उसके लेके भाई मैं 2 बार अपना मतलब सिलीगुड़ी जगह पर मतलब क्या बोलते हैं उसको पुलिस मतलब पकड़ा था, ठीक है, मतलब उसमें चालान तो नहीं हुआ था लेकिन बट ऐसे चीज़ हो गया था तो उस चीज़ को लेके मैं उसका वीडियो बनाने वाला हूँ, छोटे छोटे क्लिप है तो बट हो सके कि इस वीडियो के बाद में मेरा वो 2-3 वीडियो आ जाएगा एंड फुली वॉच करेंगे गाइस, उस वीडियो में फुली आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ। तो जिसके लिए अगर आप लोग बाटोग्रा से देख रहे हो या सिलीगुड़ी से हो तो इसीलिए भाई अंकल जी कहाँ देख रहे हो भाई, भाई ध्यान ही नहीं है भाई अंकल के, ठीक है
भाई ऐसे चला रहा है ना भाई, आर्मी वाला बंदा है भाई, कहीं से ऐसे मतलब कुछ अलग माइंड पे होगा जिसके लिए भाई वो ध्यान ही नहीं देते, बट चलो ये चीज़ होते रहता है। और अभी के टाइम पे भाई सिलीगुड़ी पे ना अगर आप लोग जाते हो तो भाई प्रॉपर तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी वगैरह करना, क्योंकि अभी मतलब चलान वगैरह बहुत ज़्यादा इशू है। और मैंने सोचा था कि अपना जो बाइक में ना उसके मतलब एक्राफॉबिक एग्जॉस्ट भी लगाने वाला था, बट गाइस अभी मतलब फिलहाल में मेरा दोस्त का वीडियो वायरल हुआ और उसमें ना मतलब कुछ साइलेंसर वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह किया हुआ थे, तो उसके ना भारी भारी 10,000 का चलान वगैरह हुआ था गाइस। तो मैंने सोचा कि उसके लिए भी एक वीडियो बना लिया जाए, लेकिन भाई ने बोला कि भाई मेरा फेस रिवील मत करो, तो भाई क्या ही कर सकते हैं ना गाइस, दोस्त है तो उसको कर भी नहीं सकते। अगर बोलता तो भाई आप लोगों को मैं दिखा देता भाई चलान किस तरीके से हुआ। अगर आप लोग वीडियो को देखना चाहते हो तो आई गेस कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी बाटडोगरा न्यूज़ बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। एंड गाइस अगर आप लोग देखना चाहते हो बाटडोगरा न्यूज़ में आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सीन हुआ था। और अभी का टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो सिक्योर जो होता है ना बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है सिलीगुड़ी एंड बाटडोगरा पे, तो जिसके लिए अगर आप लोग आते हो तो भाई अपना जो डॉक्यूमेंट्स है तो पूरा जो है उसको ना आप लोग प्रॉपरली रखो, तो जाके आप लोगों को थोड़ा सैफली फील आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ऐसे फीलिंग लगेगा कि भाई अगर मामा लोग हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। तो ऐसे अक्सर बहुत सारा लोगों को होता है, तो आई गेस आप लोगों को मैं सजेशन करता हूँ कि आप लोग जो अपना डॉक्यूमेंट्स है उसको पूरा कैरी ही कर लेना, तो आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स अगर पूरा रहेगा तो आप लोग कंफर्टेबल होगा, है ना। देख सकते हो इस साइड में किस तरीके से भाई चलान वगैरह हो रहा है, देख रहे हो ये चीज़ चेक करो भाई किस तरीके से जो यहाँ पर ना पुलिस वगैरह रोक रहा है ना। अक्सर भाई ये जो है भी मेन लोकेशन हो चुका है, बस इससे अगर आप लोग बाटडोगरा से देख रहे हो तो आप लोगों को सिंगी जोड़ा आई थिंक आप लोगों को पता होगा एक जगह के नाम है, तो वहाँ पर भी जो आप लोग शॉर्टकट जंगली बाबा जाते हो ना उस जगह पे भी भाई बहुत सारा लोग भाई पुलिस मामा लोग बैठे रहते हैं। अभी नाकाबंदी ना ऐसे हो चुका है हर जगह जगह पे 100-100 मीटर के दूरी दूरी पे आप लोगों को भाई नाकाबंदी देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ चलो आज का क्या सीन बनता है देखते हैं सिलीगुड़ी बाटडोगरा पे। जो आज जो बाइक चला के जो भाई भाग रहा है ना भाई नेक्स्ट लेवल। मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो फ्रंट वाला जो टायर है ना उसके भी हम लोग टायर वगैरह चेंज करेंगे, एडवेंचर ही लगाएंगे भाई। चला के जो एक भाई कंफर्टेबल लग रहा है, जो एक मतलब पावर लग रहा है भाई, सही में भाई काफ़ी बढ़िया भाई, काफ़ी बढ़िया एक नंबर। हाँ आज जो है थोड़ा बॉम्ब राइड भी होने वाला है बाटडोगरा के रोड पे भाई, विदाउट जो है हेलमेट है ना भाई कैसे चला रहे भाई, एक तो हेलमेट नहीं है। भाई किस तरीके से देख रहे हो भाग रहे हैं विदाउट, अगर आप लोगों का सिग्नल पड़ा हुआ है ना तो भाई आप लोग रुक जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को भारी भरकम चलान ना हो जाए, क्योंकि उस दिन मेरा कैमरा वगैरह नहीं लगाया था, बट यहाँ पर ना 2-3 बंदे को भाई ऐसे बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ था। और यहाँ पर अभी देख सकते हो ट्रैफिक गार्ड सब भी है, एंड चलो निकलते हैं हमारे जो ग्रीन सिग्नल आने ही वाला है, बट चलो आ चुके हैं। चलो जी आज थोड़ा बॉम्ब राइट होने वाला है गाइस, बॉम्ब राइट होने वाला है बाटडोगरा के सड़कों पे। ओए क्या भाग रही है भाई, क्या भाग रही है। एंड मैंने सोच रहा हूँ कि गाइस इस थोड़ा सा यहाँ से मेरा काम करवा लेते हैं, देन उसके बाद भाई निकलते हैं। क्या बोलते हो पब्लिक, क्या बोलते हो पब्लिक। जिसके लिए यहाँ पर मैंने आया हुआ था वो काम हुआ नहीं है, तो भैया बोल रहे हैं कि शाम के आ जाओ, और देखते हैं भाई शाम को आके मुझे पॉल्यूशन वगैरह करवा लेना पड़ेगा, देन सी उसके बाद कुछ एडवेंचर जगह पे जाएंगे, कुछ आज एडवेंचर सीन होने वाला है गाइस। क्या भाग रे भाई, ओहो क्या ब्रेकिंग भाई। एनएस अगर 200 सीसी में अगर एनएस है ना भाई बहुत ही बढ़िया जो पिकअप है ना भाई नेक्स्ट लेवल। देख रहे हो किस तरीके से भाई इसका पावर, ये चेक करेगा भाई। और मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो एनएस में ना अपना जो फ्यूल इंडिकेटर आता है तो उसको मैं अपडेट करता हूँ, और इसमें जो थोड़ा सा जो पावर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जहाँ आप लोगों को 24 BHP आप लोगों को पावर देखने मिलता है, जहाँ अगर हम लोग फ्यूज जो फ्यूल इंडिकेटर अगर हम लोग उसमें RS या KTM का अगर फ्यूल इंडिकेटर लगा देते हैं तो भाई वहाँ पर ना हमारे जो है बाइक का पावर भाई काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। एंड मुझे लगता है कि आई थिंक 24 अगर हम लोग का BHP है तो जहाँ आप लोगों को 26 BHP देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी तगड़ा रस्म देखने के लिए मिलेगा। सोच रहा हूँ कि भाई मैं कुछ दिनों के बाद में कुत्ते देख रहे हो कुत्ते को भाई बीच बीचों में भाई रोड ऐसे ही क्रॉसिंग। एंड मैं सोच रहा हूँ कि भाई कुछ दिनों के बाद में ना हम लोग मतलब उसमें मतलब फ्यूल इंजेक्टर जो सिस्टम होता है जहाँ मतलब फ्यूल पासिंग होता है ना उसको हम लोग अपडेट कर देंगे, और इसका जो पहाड़ में जो चलने में मुझे तो अभी जो थोड़ा थोड़ा मतलब दिक्कत आता है आई थिंक वो चीज़ नहीं होगा। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पॉल्यूशन वगैरह करवा लेते हैं।
है पोल्यूशन। आई थिंक मेरा जो पॉल्यूशन का जो काम था वो सारा चीज़ हो चुका है और हमारे जो घर का ना भाई नल का जो है ख़राब हो चुका है, तो जिसके वजह से मैं हार्डवेयर का दुकान पे गया और ये दो चीज़ मैंने उठा के ले आ चुका हूँ। एंड इसको रखते हैं अपना बैग में, सबसे पहले अपना ब्लैक मैन को फ्यूल अप देते हैं क्योंकि भाई अपना जो ब्लैक मैन के अंदर पे फ्यूल अप ना के बराबर पे है। एंड अक्सर हमारे ब्लैक मैन में ना काफ़ी ज़्यादा भाई फ्यूल अप चला जाता है। एंड लेट्स सी क्या सीन बनता है इस आगे पे। और मुझे अभी जाना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसका भाई ये होने वाला थोड़ा बहुत एडवेंचर, एंड थोड़ा एडवेंचर के भी मजा लेंगे। बट सबसे पहले उससे पहले गाइस हमारे जो ब्लैक मैन के फ्यूल अप करवा लेते गाइस, का सारा काम हो चुका है। एंड ऐसे ऐसे करके अभी हम लोग नीचे से निकलेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे जहाँ थोड़ा बहुत अभी हम लोग एडवेंचर चेक करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो थंबनेल और टाइटल देखे तो भाई आप लोगों को पता लगना चाहिए ना भाई एडवेंचर का जो टायर है भाई किस तरीके से है। तो थोड़े बहुत हम लोग जाएंगे एडवेंचर करने के लिए। क्विट क्विट भैया, भगाओ भगाओ भगाओ, पावर भाई ये चेक करे भाई। ओहे भाई क्या भाग रही है भाई, क्या भाग रही है भाई, क्या भाग रही है भाई, क्या भाग रही है भाई। एनएस में जब जैसे ही आप लोग भाई टोटल दोगे ना भाई, मतलब आप भाई ऐसे हो जाओगे भाई, ये चेक करे भाई पीछे में। एंड चलो कोई नहीं भाई, कोई नहीं कोई नहीं। ओहो हो, हे हे हे, क्या कट भाई क्या कट।